वालेकुम डे लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो जिस तरह के हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस कोर्स के अंदर जो कुछ पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं रिलेटेड टू द आंट्रपन्योरशिप तो उसके साथ साथ हम ऑनटरपन को भी अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट करेंगे ताकि जो चीज़ें आप सुन रहे हैं किताबों से उसकी प्रैक्टिकल इंसाइट भी हम इस कोर्स का हिस्सा बना सकें गोइंग विद द सेम फ्लो आज हमने अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है माइंड बट को शी इज़ ऑल्सो एन ऑन्टरप्रन वुमन ऑन्टरप्रेन्योर तो है ही है बहरहाल शी इज़ वर्किंग सिंस टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन और ये ऑपरेट करती हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्योंकि आज हमने इनसे बहुत से सवाल करने हैं हम चलते हैं माइंड की तरफ माइंड वेलकम इन द वीडियो बिसम थैंक यू सो मच फॉर हैंग मी हेयर सच ए प्लेजर आई होप कि हमारा आज का सेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल होगा के लिए बिल्कुल होने वाला इसके माइंड क्योंकि इस, इस वीडियो से पहले हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत अहम प्रिंसिपल जो है हमारे पास इफेक्शन रीजनिंग का तो स्टूडेंट्स खास तौर पे हम तो खैर अब उनको स्टूडेंट्स भी नहीं कहते हैं है, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अभी आ, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इनक्यूबेशन सेंटर्स में है सो इनिशली देव वेरी हमारा पहला सवाल यही है hmm. कि जब भी एक ऑन्ट्रप्रोर स्पेशली वो यंग ऑन्टर है और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है इनक्यूबेशन में अपना आइडिया लेकर आता है तो उसके पास जो उसके हाथ में रिसोर्सेज होते हैं वो उसको किस तरह एक यूनिक कॉन्फिग्रेशन के साथ मार्केट में लेकर आ सकता देखिये जब हम एक वर्ड uh, सोचते हैं रिसोर्स वीज ऑफ इट एज अ मॉनिटरी दिमाग में ही आते हैं कि पैसे की बात हो रही है या किसी स्टार्टअप की बात हो रही है बट आई फाइंड के रिसोर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं एक फ़िज़िकल कैटेगरी है एंड एंड देन फर्स्टली जो रिसोर्स है वो द पर्सन ख़ुद है आपकी एक सर्टन तरह की एजुकेशन है या आपका कोई सर्टन स्किल हो सकता है और लॉट ऑफ पीपल आई नो आर हैव दिस सर्टन इन बॉर्न टैलेंट जो उनका रिसोर्स हो सकता है बचपन से आपके हाथ में कहते हैं जी इसकी सिलाई अच्छी है या इसको पेंटिंग आती है या दिस पर्सन इज़ ए सिंगर एंड यू कैन यूज़ दो स्किल्स और दैट इन बॉर्न टैलेंट टू आपको वो लेके जाए और उसी को आप अपनी रिसोर्स बना लें इसी तरह आप अगर एक सर्टन सिटी में रहते हैं एक इन्वायरमेंट में रहते हैं मे बी आपके इर्द गिर्द आपकी ऐसी रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल हों जो आप अपने काम में लेटर ऑन उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ आपने उसको डिवेलप किया ठीक है आप देखें आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए इर्द गिर्द कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हों जो आप इस रिसोर्स को बिल्ड करने के लिए लर्निंग के लिए टीचिंग के लिए आप उसको उसके ऊपर बिल्डअप ऑन करें फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास अभी है क्या अवेलेबल आपके पास क्या है जैसे जब मैंने खुद काम स्टार्ट किया था तो आई वॉज आई स्टार्ट ऑन माई ओन अपने बिहाफ पे मैंने स्टार्ट किया आई डिड नॉट हैव अजूज अमाउंट ऑफ फंड विद मी आई डिड नॉट वॉन्टेड टू इन्वेस्ट स्ट्रेट अ वे इन बिग गैजेट्स ऐसे बड़े टूल्स ऐसे अवंस तो मेरे पास जो घर की चीज़ें थी वही मेरी रिसोर्स थी कि मेरे किचन का जो ऑलरेडी एक ओल्ड फैशन ओवन जो होता है मैंने उससे शुरू किया क्योंकि मेरा बेकिंग से रिलेटेड है तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई वुड गिव वुड बी रिलेटिंग टू हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस तो माय रिसोर्स वाज फर्स्टली माई ब्रेन कि मुझे आइडियाज़ आते हैं मुझे इंस्परेशन आती है टू डिवेलप रेसिपीज द नेक्स्ट रिसोर्स वुड बी दिस ड्राइव कि यार मैंने अपने आप को प्रूव करना है फिर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ऑलरेडी फिर उसके बाद मेरे पास जो घर की चीज़ें थी वो एक, एक किचन का वही पुराना सा जो मिक्सर चल रहा होता है उससे मैंने शुरू किया छोटा सा एक अवन सा उससे शुरू किया तो लिमिटेड रिसोर्स के साथ बेसिक से आपने बिल्ड करना है एंड देन उसी के थ्रू वेंचर यू कैन जनरेट मोर रिसोर्स वेल बिल्कुल ऐसा ही है और एक्चुअली uh, में uh, जो रिसेंट लिटरेचर आ रहा है हुँ. उस ली रिसेंट लिटरेचर में यही बात हो रही है कि जो फिज़िकल रिसोर्स जिसको लिटरेचर hmm. में ऑपरेंट रिसोर्स का नाम दिया जा रहा है तो बात ये हो रही है कि फिज़िकल रिसोर्स तो अहम है ही है लाइक hmm. like, आपके केस में हम बात करते हैं तो अवन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइटम और लेकिन उसके अंदर जो रेसिपी जा रही है hmm. और उसके अंदर जो आपका टैलेंट जा रहा है hmm. और उसके अंदर है, hmm. और उसके अंदर जो आपकी रेसिपी की एक यूनिकनेस hmm. है दैट इज़ एन इंटेंजबल रिसोर्स जिसको हम ऑपरेंट रिसोर्स कह रहे हैं और हमेशा जो इन टेंजिबल रिसोर्स है जिस तरह से आप लोगों को डील कर रहे हैं या जो आपका नेटवर्क है या जो आपकी क्रिएटिविटी है जो आपका माइंड है ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बेसिकली फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखती हैं लेकिन आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हैं अच्छा इसमें आपकी बातों से हमें आ, एक बात और याद आई कि इनिशियली हमने अपने वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ऑनटरपन्यर वही होता है जिसके पास जो भी रिसोसेज़ हों उसकी एक यूनिक कॉन्फिग्रेशन लेकर आता है वही सेम रिसोर्स किसी और के पास भी होंगे वो अपने रिसोर्स को जिस तरह यूज़ करेंगे और जिस तरह हम यूज़ करेंगे आ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और यही हमें दूसरे लोगों से अलग बनाएगा तो आई वांटेड टू नो मेरी के आ, सबसे पहली जो शिकायत हमारे यंग ऑन्टनर्स को होती हैं उनके अंदर एक बैरियर होता है कि हमारे पास रिसोर्सिस की कमी है hmm. इस बैरियर को आपने कैसे ब्रेक किया hmm. और आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे ब्रेक होता है सो ऑनडरव्यून फॉर मी इज समन हु वर्क ऑन देयर ओन इनिशिएटिव ठीक है इफ़ यू ओवर थिंक थिंग्स दे बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर यू आई थिंक आपकी जो रिसोर्स है वो आपकी ड्राइव भी है अ ड्राइव टू प्रूव योर सेल्फ भी है और आपने उसी को लेके चलना है तो आप ऑन द गो करें आप देखें अपने इर्द गिर्द आपकी जो है स्टार्ट कर दें एंड देन यू सी you basically basically ठीक hmm. हो गया hmm. अच्छा इसमें अब एक तो ये चीज आ जाती है कि आपने इसका मतलब है कि जो बैरियर ब्रेक करना हाँ. है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है हाँ. मेरे पास पैसे नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता है हाँ. और मेरे पास अच्छी टीम नहीं है तो बिजनेस नहीं हाँ. हो सकता बेसिकली इट्स अ ड्राइव Hmm. और ड्राइव में जब आप उसको इसीलिए हम कहते हैं ऑनटरप्रीनोरशिप भी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है एक टॉपिक है जब तक आप किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे hmm. जब तब तक आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन साथ सामने नहीं लेकर आ सकते कितना जरूरी है एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो आपको आप जब आप मार्केट में जाएं तो आपको यूनिक बना दें hmm. क्या दे सब तो सवाल ये है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको यूनिक बनाती है कि hmm. नहीं बनाती दूसरा ये कि कितना जरूरी है hmm. कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो आपके पास कॉम्पिटिशन में स्मॉल बिजनेस देयर टू ब्रेक द द मार्केट यूनिकनेस इज की ठीक है अब वो यूनिकनेस कैसे है कि या तो आपकी प्रोडक्ट ही बिल्कुल यूनिक हो बाकी और यू हैव सर्टन लाइन बट उसमें आपकी टेक्निक या आपका काम करने का तरीका यूनिक है और यू हैव एवरी थिंग एंड जो आप जो तो लाइनअप की बात करें कि यू पुटिंग थिंग्स टू टुगेदर इन अ डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू वर् द अदर पर्सन इज़ आप ऑन्टरप्रीन्योर से वेरी करता है ना उसके साथ बिल्कुल आपका तरीका क्या है आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड आउट फ्राम द क्राउड एंड कट द मार्केट ठीक है और आई फील के टेक्सट बुक आपने चीज़ें सीख ली वो भी जा रही हैं एक आपकी पर्सनल ड्राइव भी और जो और आपकी रिसोर्स भी हैं इन सबको आपने फॉर्मेट करके इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है विच इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट ऑफ डूइंग थिंग्स आई गेट दिस क्वेश्चन क्वाइट आइट अलॉट के अच्छा स्टार्ट कैसे किया था या हमने तो ये ये कोर्सेज किए हुए हैं एंड बी फाइन इन सर्टन थिंग्स यू हैव आपका ज़्यादा है हालांकि आपने शायद उस तरह से सीखा नहीं हुआ कहीं से या वट वट आर यू डूइंग वट इज़ स्पेशल इन दैट एंड आई आई फील दैट इट्स द कॉम्बिनेशन इज द फॉर्मेट दैट आई मेड इन माई हेड कि अच्छा ये ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर मी

रिसोर्स तो हम जो कहते हैं ना बंदोर्स हैज रिसोर्स कैन बी एनीथिंग इट कैन बी आपकी स्किल है इट कैन बी योर नॉलेज इट कैन बी हाउ यू कैरी योरसेल्फ इन यू कैरी योर वर्क एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर मेक द परफेक्ट पैकेज आपको काम का भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं आपको मार्केटिंग का भी आइडिया है आपने अपने काम का एक सर्टन फॉर्मेट भी बनाया हुआ है यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ सर्कुलेट इन सिमिलर सर्कल्स एज वेल एंड हुज़ हु एंड वट्स वट इन योर इंडस्ट्री सब चीज़ें इकट्ठी हुई और फिर आपने एक उनका फॉर्मेट बनाया और हम उनको उस पर ले कर चले एंड द मोर यूनिक दिस इज द मोर यूनिक द वे यू डील यू विद योर वेंचर द मोर यू गोइंग टू स्टैंड आउट एंड आई थिंक दैट्स वट फॉर्ड ऑफ ब्रेक्स यू मार द मार्केट फॉर यू एंड हेल्प्स यू स्टे इन द इंडस्ट्री एज़ वेल बिल्कुल अच्छा इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिज़नेस जब शुरू होता है तो हर एक के पास खास स्पेशली हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल के पास तो रिसोर्स होते ही बहुत लिमिटेड हैं अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है रिसोर्स डेवलपमेंट आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया या आपके पास अभी आइडिया है और आप किसी इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं तो उस वक्त आपके पास रिसोर्स लिमिटेड हो सकते हैं रिसोर्स लिमिटेड चले हम नॉलेज की बात कर सकते कर लेते हैं कि नॉलेज एज ए रिसोर्स तो हो सकता है आपकी मार्केट नॉलेज लिमिटेड हो बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह जिस तरह आप अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं तो बहुत से लोगों का ध्यान रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता hmm. जो उनके पास है जो उन्होंने सीख लिया है hmm. वो उसी लूप में चलते hmm. रहते हैं और अपने रिसोसिस को डेवलप नहीं करते इसीलिए स्मॉल स्केल में हमने ये इश्यूज देखे हैं कि उनकी जो लाइफ है वो एक दो साल के बाद hmm. जाके वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहता सो but... so, हमें आपका एक कमेंट चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर कि कितना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना इनोवेशन एंड रीइनवेंटिंग योरसेल्फ किसी भी फील्ड में जो है ना दैट्स द की बिकॉज़ आप अपना कंपटीशन भी हैं इन अ वे बिकॉज़ यू मेकिंग समथिंग एंड देन

मनी आउट ऑफ इट वो हम उसमें yes, हाँ, yes. so, की तरफ uh, कि in जा रही हूँ सो वी आर सॉफ बिल्डिंग अपन दैट डायरेक्शन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी अब जो मैंने जिनसे शुरू किया था आई एम नॉट वर्किंग इन द सेम लाइन एज वेल वो भी चल रहा है साथ बट एवरी अदर डे आई एम थिंकिंग अच्छा मैं इसमें क्या नया लेके आऊँ सो आई एम लर्निंग आई एम गोइंग आउट आई एम गूगलिंग रेसिपीज आई एम सिटिंग डाउन एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स सो इन ऑल फील्ड्स यू कैन नॉट स्टे स्टेगनेंट आपने अपनी रिसोर्स को अपने नॉलेज को मॉनिटरी हो फिजिकल हो उसको बढ़ाते जाना है अपने आप को री इन्वेंट करना है सो दैट so आपने एक दफ़ा ब्रेक कर ली मार्केट बट यू हैव टू स्टे देर एज वेल सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू वेंथ यू मेक योर मार्क आपने उसको यूज़ भी तो करना है ना बाद बिल्कुल में। में। ऐसे सो इट इस रियली इंपॉर्टेंट दट यू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है ठीक ओ क्या थैंक यू मेरीन और डे स्टूडेंट्स एक्चुअली में इफ़ेक्चुअल रीजनिंग को सीखने के बाद दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि नंबर एक आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पहले आप उन रिसोर्सिस के साथ शुरू करें और uh, नंबर टू रिसोर्स लिमिटेड हैं ये सारा बैरियर शायद आपके माइंड का होता है एक दफ़ा आप इसको ब्रेक कर लें तो यू विल सी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप अगर किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं आप अच्छे लोगों को जानते हैं आपका जो नेटवर्क है आपका जो नॉलेज है, है आपकी अपनी आर्ज uh, जो है बिज़नेस को करने की और आगे बढ़ने की ये भी सारे आपके रिसोर्स हैं आपने दूसरों से अलग कैसे होना है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सिज़ हैं आपने बस उन रिसोर्स की एक यूनिक कॉम्बिनेशन एक यूनिक कॉन्फिग्रेशन लेकर आनी है अदरवाइज़ रिसोर्स तकरीबन पैसे तकरीबन सभी के पास होता है जब वो बिज़नेस शुरू करते हैं और जिस इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं उसके नॉलेज भी तकरीबन सभी के पास होती है लेकिन बाजा जो रिसोसेज़ होते हैं उसका कॉम्बिनेशन इतना यूनिक होता है कि वो आपको आपके कम से बहुत बेहतर बहुत बना देता है सो so, अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और हम देखते हैं कि और क्या प्रैक्टिकल इंसाइट्स हम माइंड से सीख सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो